हेलो किड्स, टेक आउट योर हिंदी स्वरचना बुक एंड ओपन पेज नंबर 39। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने श से त्र तक पढ़ा था। श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिकोण। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 36, ज्ञ और स्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, अक्षर को पहचानो और उसमें रंग भरो। चित्र के नीचे दिए गए शब्दों में उस अक्षर को रेखांकित करो। तो आपको यहाँ पर अक्षर पहचानना है, उसमें रंग भरना है, और फिर उसके बाद चित्र पहचानना है आपको, और चित्र के नीचे दिया गया जो शब्द है उसे आपको अंडरलाइन करनी है। किसे अंडरलाइन करनी है? उस शब्द में जो अक्षर होगा उसे। कौन सा अक्षर? ज्ञ। ओके, तो बच्चों ये कौन सा अक्षर है? ज्ञ। इसे हम कहेंगे ज्ञ। इसे कलर करो स्टूडेंट्स। कलर होने के बाद ज्ञ से क्या होता है? ज्ञ से ज्ञान, यानी एजुकेशन। ओके, ज्ञानो ज्ञ, यहाँ पर ज्ञ दिखाई दे आपको, तो इसे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, ज्ञ से ज्ञानी, यानी गुरुजी या फिर ऋषि। ओके, ज्ञ, यहाँ पर ज्ञ दिखाई दे हमें, तो उसे भी अंडरलाइन करो रेखांकित। नेक्स्ट, ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ यानी हवन। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर है स्र, इसे हम कहेंगे स्र। स्र से श्रमिक, यानी काम करने वाले। स्र से श्रवण, यानी सुनना। ये राश्र, इसे आप कलर करो स्टूडेंट्स। कलर होने के बाद ठीक इसी अक्षर को आपको यहाँ पर रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। कहाँ पर है ऐसा अक्षर स्र? ये रहा पहला स्र। ओके, दूसरे यहाँ पर देखो श्रवण, ये बच्चा संगीत श्रवण कर रहा है, तो देखो श्र कहाँ पर है? ये रहा श्र। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? इस तरह आपको ये प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।